हाय गाइस, तो मम्मा मैं कुछ किचन में बना रही हूँ और कल रात को बारिश हुई थी। मेरा मन कर रहा है कि मैं पकोड़े खाऊं। अब मम्मा ना कुछ बना रही है, मैं सोच रहा हूँ कि मैं पकोड़े खाऊं। अब मम्मा से प्लीज़ मम्मा को ऐसे बोलूँगा, प्लीज़ मम्मा मेरे लिए पकोड़े बना दो, ऐसे बोलूँगा। आ जाओ फिर मैं मम्मा को बताता हूँ। तो यहाँ ना मम्मी प्याज काट रही है। मम्मा ये आप क्या काट रहे हो? ये मैं प्याज काट रही हूँ। अच्छा प्याज, ये आप कौन से मेरे लिए काम कर दोगे? क्या बोलो? कि आप मेरे लिए पकोड़े बना दो मम्मा, गरम गरम पकोड़े बना दो। गरम गरम पकोड़े बना दूँ? मैं बताऊँ आपको आज मैं क्या कर रही हूँ। आज मैं आरव के लिए पकोड़े ही बना रही हूँ। हाँ आज आरव के लिए पकोड़े बन रहे हैं। तो बेटा कौन से वाले पकोड़े खाने आज? प्याज के पकोड़े, आलू के पकोड़े या पालक के पकोड़े? पालक के पकोड़े। ये पालक के पकोड़े कौन से होते हैं? ये पालक के पकोड़े होते हैं, बड़े अच्छे होते हैं। अच्छा आओगे? बना के खिलाती हूँ आज पालक के पकोड़े। ठीक है ठीक है। तो पालक के पकोड़े बनाने के लिए ना सबसे पहले तो यहाँ पर मैं प्याज को इस तरह से कट कर रही हूँ। आपको भी सिखाऊं साथ साथ कि कैसे बनते हैं? नहीं मैं अभी जा रहा हूँ, मैं अपनी गेम खेलूंगा। नहीं गेम नहीं खेलनी, आप मम्मा की हेल्प करोगे किचन में। नहीं मेरे को गेम खेलनी है। नहीं अभी पहले मम्मा की हेल्प करो, पकोड़े खाने हैं ना। ओके मैं अभी आया, मम्मा की हेल्प करनी पड़ेगी। मैं बस 2 मिनट्स में आ रहा हूँ। यहाँ पर प्याज तो मैंने रफली चॉप कर लिया है और इसी के साथ यहाँ पर मैं पालक ले रही हूँ। पालक को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था एक बार। और इसके बीच में हम ऐड करेंगे एक कटोरी बेसन। तो यहाँ पर बेसन डाल दिया है हमने, और जो हमने प्याज रफली चॉप किए थे और मिर्ची कटिंग की थी वो भी हम इसके बीच में ही ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हमने इसके बीच में डाल दिए हैं प्याज और हरी मिर्ची, और अब हम इस बैटर को कर देंगे अच्छे से मिक्स। और इसके बीच में हम ऐड करेंगे पानी। तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ नमक। नमक अपने टेस्ट अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कम ज़्यादा भी। और इसमें थोड़ा सा मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ गरम मसाला, और थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर। और अब हम इस पूरे बैटर को अच्छे से हाथ से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर इसका बैटर जो है बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, थोड़ा गाढ़ा ही होना चाहिए। तो यहाँ पर जब हम इसका बैटर बना रहे हैं तो हमें बहुत ज़्यादा पतला बैटर नहीं बनाना। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मैं अच्छे से हाथों से मिक्स कर रही हूँ, और बहुत ही थोड़ा पानी यूज़ किया है मैंने यहाँ पर। बहुत ज़्यादा पानी का यूज़ यहाँ पर हम नहीं करेंगे। तो यहाँ पर एक तरफ कढ़ाई में मैंने ऑयल को साथ के साथ गर्म करने के लिए रख दिया था, ताकि जितनी देर हमारा बैटर तैयार हो और उतनी देर हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए। तो ऑयल तो यहाँ पर अच्छे से गर्म हो चुका है, अब हम अपने पकोड़ों को इसके बीच में ऐड करेंगे। तो यहाँ पर पकोड़ों को आप अच्छे से हिला लें, ताकि दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए इस पे। तो गाइस पकोड़े बन रहे हैं, और पकोड़ों के साथ चाय ना बनेंगे तो हो नहीं सकता। और पापा जी का ऑर्डर आया कि उनको चाय और पकोड़े खाने हैं। तो अब हम एक तरफ अपनी चाय रख लेते हैं गैस पर। तो यहाँ पर मैंने गैस पर पानी रख दिया है चाय बनने के लिए। पर चाय के अंदर यहाँ पर मैं थोड़ी सी अदरक डाल रही हूँ। अदरक वाली चाय बहुत ही स्वाद लगती है पीने में। और इसी के साथ यहाँ पर मैं थोड़ा सा अपना चाय का मसाला डाल रही हूँ। तो गाइज ये मेरा सीक्रेट मसाला है, जल्दी इसकी रेसिपी भी आप सबके साथ मैं शेयर करूँगी। तो यहाँ पर एक बड़ा चम्मच मैंने चाय का मसाला इसके बीच में डाल दिया है। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं पकौड़ों में बहुत ही बढ़िया सा कलर आ चुका है। और अब हम इन गर्मा गर्म पकौड़ों को एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर पकोड़े तो हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं।
आप ले रहे हो सिंपल। पर हमारे गर्मा गर्म पालक के पकोड़े बनकर तैयार हो चुके हैं और यकीन मानिए इतनी खुशबू आ गया है कि मेरे से बात ही नहीं हो पा रही और बहुत ज्यादा मन हो रहा है कि मैं फटाफट से खा लूं। वैसे ही शाम के टाइम जब 5 या 6 बजते हैं तो छोटी मोटी क्रेविंग हो जाती है खाने की, उस टाइम के लिए बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है ये। आप पालक के पकौड़े बनाए और साथ में गर्मा गर्म चाय के साथ एंजॉय करें। तो यहाँ पर चाय भी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पर आरव के लिए गर्मा गर्म चाय और गर्मा गर्म पकौड़े तैयार है। ओ वाओ, पालक के पकौड़े। मैं टेस्ट करूँ? बिल्कुल करो। ओ हॉट है। गर्म है, खा के बताओ कैसी है, जल्दी जल्दी से खा के बताओ। वाओ यम्मी है ना पालक का पकौड़ा, मस्त। और साथ में पता है ताकतवर होते हैं वो। कौन सा कार्टून है आपका जो पालक खाता है और स्ट्रॉन्ग बन जाता है, कौन सा वाला है? पोपाय, कौन सा है, कौन सा वाला कार्टून आता था? बॉब द बिल्डर। नहीं 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 नहीं, तो गाइस मुझे तो उस कार्टून का नाम याद नहीं आ रहा, मुझे कमेंट करके बताना कौन सा कार्टून ऐसा है जो पालक खाता था और एकदम बॉडी बना लेता था, मोटू हो जाता था वो एकदम। तो कमेंट करके बताना उस कार्टून का नाम और कैसी लगी हमारी ये रेसिपी, हमें ये भी जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और और भूल गया और तब तक के लिए।